हाल ही में हुई लखीमपुर की घटना को लेकर मंदसौर की गांधी चौराहे पर कांग्रेस पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया और साथ ही कांग्रेस पार्टी द्वारा देश में भाजपा की सरकार पर आरोप लगाए गए कि हिटलर शाही की सरकार जैसे आरोपों के साथ ही मृतकों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। तो वहीं SDM को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही मृतक घटना में मरने वाले किसानों को श्रद्धांजलि 2 मिनट के मौन रखकर दी गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व विधायक कृष्णा पाटिल के नेतृत्व में आज मंदसौर के गांधी चौराहे पर लखीमपुर की घटना को लेकर योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया और साथ ही प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस द्वारा बताया गया कि देश में सच के आवाज को दबाने का कार्य योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रियंका गांधी को मृतक के परिजनों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। वह लखीमपुर जाते समय उनको पुलिस, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, बीजेपी सरकार के नेताओं पर हिटलर शाही का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री के बेटे को लेकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए व साथ ही केंद्रीय मंत्री मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मंदसौर SDM के समक्ष कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं लखीमपुर में मरने वाले किसानों को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। पुतला दहन का जो कार्यक्रम था ये NUCI के द्वारा था, NUCI ने किया और कारण तो एक ही, पूरे देश में आज की तारीख में जो लखीमपुर खीरे में जो किसानों को जाते हुए पीछे से गाड़ी चढ़ा दी मंत्री जी के बेटे ने नशे में चूर होकर और वहां पर 8 लोग मर गए, तो एक तो वो बात है कि उसको मंत्री जी के बेटे को गिरफ्तार किया जाए तत्काल, और हमारी कांग्रेस की नेत्री प्रियंका जी उन पीड़ित जो मृत परिवारों से मिलने जा रही थी किसानों के, तो योगी सरकार ने उनको बिना किसी FIR के, बिना कोई कारण बताए उन्हें कल से रोक के उनको जेल में बंद कर रखा। तो हमारे कांग्रेस जनों का ये विरोध है कि उन्हें तत्काल विरोध किया जाए, तत्काल उनको जेल से छोड़ा जाए और उनको उन किसानों से मिलने दिया जाए और उन पे जो है मंत्री, जो राज्य मंत्री है, उसका इस्तीफा होना चाहिए और उसके बेटे को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि हमको ये लग रहा है कि योगी सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में कुछ घटनाएं हुई हैं किसानों को लेकर, राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, तो जिसको लेकर कांग्रेस द्वारा यहाँ गांधी चौराहे पर जो है धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया गया था। पुतला जलाने का भी प्रयास था, पुलिस ने बुझाने का प्रयास किया था, तो उसी को लेकर कुछ धक्का मुक्की और हुई है और जिसमें आवश्यक कार्रवाई वो की जाएगी। जिस तरह लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के जो पुत्र थे और जिस तरह से किसानों को रौंदा और जो निर्मम किसानों की जो हत्या हुई है और जिस तरह से एक षड्यंत्र पूर्वक वो जो कार्यवाही हुई है, उसको लेकर हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी जब उनके परिजनों से मिलने के लिए UP में गई, तो उन्होंने, पुलिस ने बगैर सर्च वारंट के उनको गिरफ्तार कर लिया और जिस तरह किसानों पर बर्बरतापूर्वक जो कार्रवाई हो रही है उसके विरोध में सारे जिला कांग्रेस के नेतृत्व में आज एक धरना प्रदर्शन और एक ज्ञापन दिया गया है और उनसे मांग की गई है कि जो किसान की जो हुई है मृत्यु, उनको न्यायिक जांच होना चाहिए और जितने भी दोषी है उनको शीघ्र फास्ट ट्रैक कोर्ट पे उनकी सुनवाई होकर शीघ्र कार्रवाई होना चाहिए और प्रियंका जी को शीघ्र रिहा करने की बात भी इस ज्ञापन के माध्यम से की गई है। और ये कहा गया है कि लगातार 10 महीने से जब किसान आंदोलन है और उन आंदोलन जो कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, पर उन पर जो बलपूर्वकतापूर्वक जो कार्रवाई की गई है वो निंदनीय है, इसी के द्वारा आज सारा जिला कांग्रेस के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। मंदसौर से शहजाद खान की रिपोर्ट।